वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मूल्य बोध एवं नैतिकता पर पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण वैल्यूज एंड एथिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल में हम चार एवोल्यूशन सॉल्व करेंगे। देखिए 23, 24, 25, 26 ये चारों एवोल्यूशन इसी वीडियो में सॉल्व होंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले मॉड्यूल नहीं सॉल्व किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको आने वाले मॉड्यूल इसी तरह सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। 23 को यहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न पर क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है समान भाव के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है सकारात्मक दृष्टिकोण। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दृष्टिकोण और मूल्य में संबंध है उपरोक्त सभी। इस पर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जीवन की सबसे बड़ी विकलांगता है। सही उत्तर है नकारात्मक दृष्टिकोण। आप इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है व्यक्तित्व प्रभावित होता है। सही उत्तर है स्वयं की सोच से। आप इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दृष्टिकोण निर्माण के मुख्य कारक हैं। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दृष्टिकोण को सीधे प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं मूल्य। आप इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सकारात्मक दृष्टिकोण में बाधक है। सही उत्तर है असहयोग। आप इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दृष्टिकोण है। सही उत्तर है व्यक्तिगत सोच। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मूल्यों के ह्रास का मुख्य कारण है। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही उत्तर है उपयुक्त सभी की। इस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर दें। देखिए स्कोर 10 out of 10 आ गया है। इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए एवोल्यूशन नंबर 24 है मूल्य बोध सेवा एवं सम्मान भाव। आप इस पर क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आज के वैश्वीकरण के दौरान सभी की संस्कृति कला व भाषा के प्रति हमारे मन में कैसे भाव होने चाहिए। सही उत्तर है सम्मान के। आप इस पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सार्वजनिक स्थानों पर हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सही उत्तर है का और खा दोनों। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों में सेवा और सम्मान भाव विकसित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों में बचपन से ही किनके प्रति सम्मान और सेवा भाव विकसित करना चाहिए। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आत्मबल और आत्म संयम के मूल में कौन सा भाव होता है। सही उत्तर है आत्मसम्मान। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव जीवन का सबसे उत्कृष्ट मूल्य कौन सा है। सही उत्तर है सेवा भाव। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हम बच्चों को किनकी सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। सही उत्तर है का और खा दोनों। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कक्षा में शहीदों क्रांतिकारियों और समाज सेवकों की जीवन गाथा सुनाकर बच्चों के अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दिव्यांगजनों को हमसे किस भाव की अपेक्षा रहती है। सही उत्तर है सहयोग और सम्मान की। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है सेवा भाव से समाज में क्या बढ़ता है। सही उत्तर है सद्भाव। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर दें। ये स्कोर 10 out of 10 आ गया है। इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट है यूनिट नंबर 25, क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन में सफलता हेतु कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्यों क्यों लड़की की कहानी प्रमुख पात्र मोइना में कौन कौन सी विशेषताएं थी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरी और भोले भाले श्रमजीवी किस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का कारोबार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने देश में आलस का भारी वातावरण है, ये आलस बेकारी के कारण आया है। शिक्षितों का तो उद्योग से कोई संबंध ही नहीं रहता, जो खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए, ये कथन किस महान विभूति के हैं। इसका सही उत्तर है आचार्य विनोबा भावे। इस पर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काक पाठ के माध्यम से बच्चों में किन गुणों का विकास किया जा सकता है। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा है किसान मजदूर कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, राष्ट्र निर्माण में हमें उन सबकी सेवाओं की समान रूप से आवश्यकता है। सही उत्तर है डॉक्टर कलाम साहब ने। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कर्म योग की बात किसने कही है। सही उत्तर है श्री कृष्ण जी ने। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसने कहा है कि मनुष्य की वो रोजी सबसे पवित्र है जो उसने अपने हाथ से मेहनत करके कमाई है। सही उत्तर है मोहम्मद साहब ने। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। बच्चों में श्रम में निष्ठा मूल्य विकसित करने के लिए हम कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य विनोबा भावे जी ने देश के परतंत्र होने का क्या कारण बताया है। सही उत्तर है आलस्य। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर दें। देखिए स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट एवोल्यूशन है यूनिट नंबर 26, क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, महान बनने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कब वर्षा जब कृषि सुखाने किसने कहा है। सही उत्तर है तुलसीदास जी ने। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समय पालन से प्राप्त होता है। सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा धन है। उत्तर है इसका समय। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समय का पालन न करने से होता है। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कल चला गया है, कल अभी आया नहीं, हमारे पास सिर्फ आज ही है, चलो शुरू करें। सही उत्तर है मदर टेरेसा। आप इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समय पालन के मूल से निहित है। सही उत्तर है अनुशासन। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समय पालन का गुण विकसित करने हेतु आवश्यक है। सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समय पालन का परिणाम है। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नियत समय पर निर्धारित कार्य करने की आदत कहलाती है। सही उत्तर है समय पालन। आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर दें। स्कोर 10 out of 10 आ गया है, इसका मतलब सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।